हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिप स्टडी आफला। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में दंड प्रक्रिया संहिता द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण एवं उनके बीच अंतर के संबंध में कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और सबसे अधिक बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में आने की संभावना भी अधिक रहती है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑल स्टेट जुडिशरी APO LLB एंड अदर्स लॉ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में है, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सामान्य परिचय को जान लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता संबंधी जो विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारत के राज्य के 24वें वर्ष में संसद के द्वारा इसको निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है। उसका दंड प्रक्रिया संहिता का जो अधिनियम संख्याक है वो एक्ट नंबर जिसको कहते हैं वो 2 है और राष्ट्रपति की स्वीकृति दंड प्रक्रिया संहिता को 25 जनवरी 1974 को मिली थी और 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता पूर्ण रूप से प्रवर्तन में आ गई थी। संहिता में कुल 484 धाराएं दी गई हैं जिनको 37 अध्याय चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और अंत में 2 अनुसूचियां दी गई हैं। तो जो पहली अनुसूची है वो अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है, जैसे कि अपराध किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, कौन सा अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है, अपराध के लिए कितना दंड निर्धारित किया गया है और अपराध किस प्रकृति का है, संज्ञेय है या असंज्ञेय है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है और अपराध जमानती है या अजमानती है, अपराध की प्रकृति के अनुसार किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय होगा। जैसे कि मान लीजिए जैसे सेक्शन 28 एवं 29 दिया गया है तो जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनको 1 साल का सजा देने का अधिकार है, तो जो 1 साल के मामले होंगे वो किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय होंगे, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं उनको 3 साल की पावर्स दी गई हैं, तो जो 3 साल के जो मामले होंगे वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय होंगे। और जो CGM को पावर दी गई है 7 साल तक मैक्सिमम कारावास देने की, तो जो 7 साल तक के कारावास होंगे वो CGM के द्वारा विचारणीय होंगे। और जो 10 वर्ष तक के जो कारावास हैं वो असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं DJ उनके द्वारा मामले हैं विचारणीय होंगे। इसी तरीके से मृत्यु और आजीवन कारावास या विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड जो है वो सेशन जज के द्वारा दिया जा सकेगा और हाई कोर्ट के द्वारा कोई वितरण जो कि विधि के द्वारा प्राधिकृत हैं वो दे सकेंगे। तो इस तरीके से जो आपकी पहली अनुसूची में कॉलम नंबर 6 है उसमें अपराध दिया गया है कि किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय होंगे तो सजा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। दूसरी अनुसूची में प्रारूपों से संबंधित है, जैसे कि सम्मन का प्रारूप क्या होगा, वारंट का प्रारूप क्या होगा, जमानत पत्र का प्रारूप क्या होगा आदि जो हैं प्रारूपों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, बताया गया है कि किसका प्रारूप किस तरीके से होगा। सेक्शन 1 जो है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ को बताता है, तो संहिता का नाम संक्षिप्त नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर 31 अक्टूबर 2019 से पहले था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को विलोपित कर दिया गया है। तो अब जो इसका विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है, परंतु संहिता के जो अध्याय हैं 8, 10, 11 ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखनी है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो अध्याय 8 हैं और 10 और 11 के जो उपबंध प्रावधान हैं वो पहला है नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों में तो लागू होंगे, 8, 10, 11 के प्रावधान लागू होंगे और जो शेष उपबंध हैं वो लागू नहीं होंगे। लेकिन जो अन्य उपबंध दिए गए हैं उनको जो संबंधित राज्य सरकार है उनको अधिसूचना नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करके लागू कर सकती है। सेक्शन 2 है इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, तो सेक्शन 2 में कुल 26 परिभाषाएं दी गई हैं, जैसा कि ABC के जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं, तो यहाँ पे भी 26 ABCD के अकॉर्डिंग आपकी 26 परिभाषाएं दी गई हैं। तो इनको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है और सेक्शन से याद हो जाएंगे। तो सेक्शन कैसे याद करने हैं आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, और जो मेन आपके सेक्शंस हैं उसके अंदर परिभाषाएं दी गई हैं वो आपको याद हो जाएंगे आसानी से। तो जैसे कि 2C है, सी फॉर क्या होता है, कॉग्निजेबल, तो सी 2C जब हम लोग देखेंगे सेक्शन की
यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि टू सी में किस चीज़ को परिभाषित किया गया है, किसकी परिभाषा दी गई है, तो सी फॉर कॉग्निजेबल, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की दी गई है। इसके साथ साथ आप लोग टू एल जरूर पढ़ लें कि इस क्योंकि इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है। और जिससे कि टू जे है, जे फॉर ज्यूरिडिक्शन यानी कि लोकल ज्यूरिडिक्शन, ओ है, टू ओ में क्या परिभाषा है, ऑफिसर इन चार्ज, पुलिस थाने का बरसादक अधिकारी, ओ फॉर ऑफिसर, पी फॉर प्लेस, आर फॉर रिपोर्ट, एस फॉर स्टेशन, आर फॉर रिपोर्ट मीन्स पुलिस रिपोर्ट, एस फॉर स्टेशन मीन्स पुलिस स्टेशन। तो इस तरीके से जो सेक्शंस हैं आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस सेक्शंस में क्या है। तो जैसे कि पी फॉर प्लेस हो गया, आपको अगर याद किए हुए याद हो जाएगा, आर फॉर रिपोर्ट हो गया, एस फॉर स्टेशन हो गया, ओ फॉर ऑफिसर इन हो गया, जे फॉर ज्यूरिडिक्शन हो गया, सी फॉर कॉग्निजेबल हो गया। इस तरीके से जो सेक्शन टू बी है, भार, बी फॉर भार हो गया, भार जो है, भार माने चार्ज, चार्जेस होते हैं, जैसा कि आप लोग टीपीए का सेक्शन देखेंगे 100, तो वहाँ पे भार लिखा है, भार मीन्स चार्जेस, सेक्शन 100 में वहाँ पे चार्जेस दिए गए, उनको भार कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद करने के लिए इसको भार पढ़ लें, बी फॉर भार। यहाँ पर चार्जेस जो होते हैं वो आरोप कहे जाते हैं क्रिमिनल मामलों में, और जी फॉर जांच, डब्ल्यू ए को हम लोग बा पढ़ेंगे, तो बा फॉर विक्टिम, विक्टिम को पीड़ित आहत भी कहते हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम लोग याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सिंपली कर लेते हैं। जैसे टू एच में है इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कोई वर्ड सीआरपीसी में है नहीं। टू एम है, टू एम में नोटिफिकेशन दिया गया है, तो नोटिफिकेशन, टू एम, एम फॉर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कोई वर्ड संहिता में नहीं दिया गया है, तो एम फॉर आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा। टी फॉर जैसे ट्रेस्क्राइब यानी ट्रेस करना, यानी कि प्रेस्क्राइब का कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर प्रेस्क्राइब भी से ले लिया जाएगा। आई है, आई में आई आ रही है, न्यायिक में आई आ रही है, तो यहाँ पर न्यायिक कार्रवाई हो जाएगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। यू है, यू में प्रोसिक्यूटर आ रहा है, तो यहाँ पर यूटर कर लें, यू फॉर यूटर यानी कि प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। टू के है, के फॉर कहाँ, कहाँ नगर यानी कहाँ नगर, तो महानगर, तो आपका कैसे टू के में हो जाएगा महानगर। बी है, बी फॉर विजन यानी कि डिवीजन, सब डिवीजन। और जो दो सेक्शन ये दिए हैं डब्ल्यू और एक्स, टू डब्ल्यू टू एक्स, इसको जस्ट आपको अपोजिट कर देना है, क्योंकि टू डब्ल्यू जो दिया गया है, डब्ल्यू फॉर क्या होता है, वारंट, परंतु टू डब्ल्यू में वारंट नहीं आएगा, और जो टू एक्स दे रखा है इसमें समन केस दिया गया है, तो एस में समन नहीं आएगा, तो टू एक्स में आपका वारंट आ जाएगा और टू डब्ल्यू में समन केस आ जाएगा। तो इस तरीके से जस्ट आपको अपोजिट कर देना है इसका। और जो दो तीन सेक्शंस बचे हुए हैं इनको आपको याद कर लेना है, जैसे कि टू डी है परिवाद कंप्लेंट, ई, ई फॉर टू ई में दिया गया हाई कोर्ट, तो हाई में भी ई आ रहा है, इसको भी आप याद आसानी से रख सकते हैं। टू क्यू है प्लीडर, इसको अलग से याद कर लें। और जैसे कि टू बाई है उन शब्दों और पदों को जो संहिता में परिभाषित नहीं किए गए हैं परंतु प्रयोग प्रयुक्त किए गए हैं, तो उन शब्दों का क्या अर्थ होगा या उनको क्या समझा जाएगा। तो जो शब्द और पद दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किए गए हैं परंतु यदि उन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो वो जिस किसी भी एक्ट में, मान लीजिए भारतीय दंड संहिता में जो परिभाषा उनकी दी गई है, तो उनका वही अर्थ होगा जो संहिता में परिभाषित किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में जो परिभाषा दी गई है वही अर्थ लगाया जाएगा। तो धारा टू बाई ये बताती है। तो हम लोग अब अपराधों के वर्गीकरण की ओर चलते हैं और उनके बीच जो अंतर हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपके सामने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको ये दिए जा रहे हैं इनके आंसर्स भी मिलेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों की आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। पहला प्रश्न है कि जमानती एवं गैर जमानती अपराध से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर करें। संज्ञे एवं असंज्ञे अपराध किसे कहते हैं, दोनों में क्या विभेद हैं। सम्मन एवं वारंट मामले का क्या अर्थ है, दोनों में अंतर को बताएं। समनीय और असमनीय अपराधों का वर्णन करें, दोनों में क्या भेद हैं उनको स्पष्ट करें। असंज्ञे अपराध के मामले में कब अभियुक्त बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या सम्मन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि हाँ तो कब। क्या वारंट मामले ही सेशन मामले होते हैं, यदि हाँ तो कौन से मामले। परिवाद क्या है,
परिवाद किससे किया जाता है, क्या यह मौखिक भी हो सकता है, अन्वेषण कौन कर सकता है, क्या अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई है, न्यायिक कार्रवाई किसे कहते हैं, पीड़ित शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अन्वेषण जांच या विचारण किन अपराधों का होता है, तो अन्वेषण जांच एवं विचारण में अंतर कीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जमानती अपराध, बिलेविल ऑफेंस, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2A में जमानती अपराध के बारे में प्रावधान दिए गए, परिभाषा दी गई है। तो धारा 2A के अनुसार किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जाता है, जमानती अपराध वे अपराध है जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में वर्णित है और सक्षम अधिकारी द्वारा जमानत पर अभियुक्त को छोड़ने का प्रावधान करता है। समानता जो जमानती अपराध है ऐसा अपराध अपराध होता है जो कि प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा जमानती बनाया गया है और अजमानती अपराध से कोई भी अन्य अपराध अभिप्रेत है। तो धारा 2A के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया हो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा जमानती बनाया गया हो अथवा अजमानती अपराध नहीं है तो वे जमानती अपराध कहलाएंगे। इसके संबंध में एक केस लॉ है, रसिक लाल बनाम किशोर खानचंद्र बादवानी का मामला है, 2009 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको डिसाइड किया गया है। तो इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया है कि जमानती अपराध में जमानत की जो मांग है वो धारा 436 में पदत अभियुक्त का पूर्ण अधिकार है। जमानती अपराधों में जमानत देने के लिए विवेकीय शक्ति का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। तो धारा 436 के जो शब्द हैं वो अज्ञापक हैं। तो जमानती अपराध में अभियुक्त जो है जमानत अधिकार के रूप में मांग सकता है। अजमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानती अपराध हुए हैं अपराध हैं जो जमानती अपराध नहीं होते हैं, अर्थात वे सभी अपराध जो जमानती अपराध नहीं होते हैं अजमानती अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो जो जमानती नहीं होंगे वो अजमानती के अंतर्गत आ जाएंगे। संहिता की जो धारा 2A है उसमें जो परिभाषा दी गई है जमानती अपराध की, उसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे कौन से अपराध हैं जो जमानती एवं अजमानती हैं। तो प्रथम अनुसूची में भारतीय दंड संहिता के अधीन जो अपराधों को विशेष रूप में एवं अन्य विधियों के अधीन किए गए अपराधों को सामान्य रूप में बांटा गया है और प्रत्येक अपराध के बारे में ये उल्लेख भी किया गया है कि वह जमानती है या अजमानती है। तो कुछ अपवादों के अतिरिक्त जो 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक कारावास के जो दंडनीय अपराध हैं वो जमानती अपराध की श्रेणी में हैं एवं केवल जुर्माने से दंडनीय और 3 वर्ष या 3 वर्ष से कम के जो कारावास हैं वो जमानती अपराध की श्रेणी में उनको रखा गया है। तो जमानती अपराध में जमानत की जो मांग है वो एक अधिकार के रूप में की जा सकती है और अजमानती अपराध में जमानत स्वीकार किया जाना पूर्णतः जो है न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि अजमानती अपराध में भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना एक अपवाद के स्वरूप है। इसके संबंध में भी एक बहुत ही केसला है इम्पॉर्टेंट जो कि मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला है, 1978 का है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस जो कि कृष्ण अय्यर थे उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि अजमानती अपराधों में भी अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना एक नियम है और ऐसा न करना केवल एक अपवाद है। तो अजमानती अपराध में भी जमानत पर छोड़ा जा सकता है। जमानती और अजमानती अपराध में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो तरीका है डिफरेंस करने का ये बहुत ही आसान तरीका रहता है क्योंकि इससे आपको डिफरेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि आपको सिर्फ ये अंतर के आधार जो हैं बेस याद रहेंगे तब भी आप आसानी से लिख देंगे। वैसे कि जो ये तरीका जो है सिंपली LLB वाला है, जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें लाइनिंग करके लिखे जाते हैं, तो आप इसी को फॉलो करें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है अंतर के आधार है कि प्रकृति संबंधी, तो जमानती और अजमानती अपराध की प्रकृति किस प्रकार की है। तो जमानती अपराध जो है सामान्य प्रकृति के होते हैं और अजमानती अपराध जो है वो गंभीर प्रकृति के होते हैं। कारावास के संबंध में क्या प्रावधान है, तो अजमानती अपराधों में अपवादों के अतिरिक्त 3 वर्ष से कम के जो कारावास से दंडनीय अपराध हैं वो जमानती अपराध होते हैं और कुछ अपवादों के अतिरिक्त 3 वर्ष या 3 वर्ष से जो अधिक कारावास से दंडनीय अपराध हैं वो अजमानती अपराध होते हैं। जमानत का जो अधिकार है, तो जमानती अपराध में जमानत के मांग जो है अभियुक्त अधिकार के रूप में कर सकता है और अजमानती अपराध में जमानत देना पूर्णतः जो है न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2C फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। तो 2C के अनुसार ऐसे अपराध जिसमें कि पुलिस अधिकारी
किसी भी समय बिना वारंट के अभियुक्त को मामले की गंभीरता के कारण गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है। संहिता की धारा 2C निम्नलिखित उपबंध करती है कि संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जिसके लिए और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवत किसी भी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, वो मामले संज्ञेय मामले कहलाते हैं। अतः संज्ञेय अपराध एवं संज्ञेय मामले ऐसे अपराध एवं संज्ञेय मामले हैं जिसमें पुलिस अधिकारी, जो इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं 2CK की प्रथम अनुसूची के अनुसार, या तो तत्समय लागू किसी विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। असंज्ञेय अपराध क्या है, तो इसको 2L में परिभाषित किया गया है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे अपराध में पुलिस अधिकारी किसी भी अभियुक्त को बिना वारंट प्राप्त किए गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत नहीं है, बल्कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वारंट पर ही अभियुक्त की गिरफ्तारी हो सकती है। संहिता की धारा 2L के अनुसार जो है असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता है। अतः असंज्ञेय अपराध वे अपराध हैं जिसमें पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अपराधों का जो वर्गीकरण है वो अपराध की प्रकृति के आधार पर किया गया है। तो गंभीर एवं संगीन जो प्रकृति के अपराध हैं उनको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, तथा जो सामान्य प्रकृति के अपराध हैं उनको असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो प्रथम अनुसूची में कुछ अपवादों को छोड़कर 3 वर्ष या उससे अधिक कारावासी दंडनीय अपराध हैं उनको संज्ञेय अपराध, और जो 3 वर्ष से कम कारावासी दंडनीय अपराध हैं और जुर्माने से दंडनीय हैं तो उनको असंज्ञेय अपराध माना गया है। तो संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी जो है संज्ञेय अपराध के करने वाले अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है। संहिता की धारा 156(1) एवं 157 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ही कर सकता है। असंज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस अधिकारी सामान्यतः अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। धारा 155(2) के अनुसार असंज्ञेय अपराध का अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं किया जा सकेगा। असंज्ञेय अपराध के मामलों में कब अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके आधार पर क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है कि असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कब है एक्यूज्ड को विदाउट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम एवं निवास की सही जानकारी के लिए उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है जिसके ऊपर असंज्ञेय अपराध का अभियोग है। परंतु धारा 42 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो कि अपना नाम पता गलत बताता है और पुलिस को संदेह है कि वह नाम पता गलत बता रहा है, तो उस आधार पर पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है अपना नाम एवं निवास बताने से इनकार करता है, अथवा ऐसा नाम एवं निवास बताता है जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर को मिथ्या होने का संदेह है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे संबंधित एक केस ला है ओम प्रकाश बनाम भारत संघ IR 2012 सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये निर्धारित किया गया है कि असंज्ञेय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसमें कि पुलिस अधिकारी एवं अपकारी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हम लोग संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में अंतर को देख लेते हैं कि सबसे पहले जो अंतर का आधार है कि अपराध की प्रकृति कैसी है। तो जो संज्ञेय अपराध की प्रकृति है वो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं। तो कारावास से संबंधित क्या है, तो कुछ अपवादों के अंतर्गत 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास दंडनीय जो अपराध हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं, अर्थात संज्ञेय मामलों में अधिक सजा का प्रावधान दिया गया है। और कुछ अपवादों को छोड़ करके 3 वर्ष से कम के कारावास दंडनीय अपराध हैं वो असंज्ञेय अपराध होते हैं, अर्थात असंज्ञेय अपराधों में कम सजा का प्रावधान दिया गया है। अन्वेषण संबंधी यानी इन्वेस्टिगेशन से संबंधित क्या प्रक्रिया है दोनों में, तो संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, परंतु असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। गिरफ्तारी से संबंधित जो प्रावधान है, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, परंतु असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और परिवाद संबंधी क्या है, संज्ञेय अपराध के मामले में कार्रवाई करने के लिए परिवाद नहीं करना पड़ता है। संज्ञेय अपराध जो होते हैं उसमें पुलिस अधिकारी खुद ही मामले को दर्ज कर लेती है, और असंज्ञेय अपराध के मामलों में कार्रवाई परिवाद से ही शुरू होती है, यानी उसके लिए परिवाद ही करना पड़ता है। जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं ऑफेंस
हम लोग देख लेते हैं सम्मन मामले क्या है, सम्मन केसेस। तो संहिता की धारा 2W के अंतर्गत सम्मन केसेस को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2W के अनुसार सम्मन मामले से ऐसे मामले अभिप्रेत हैं जो कि किसी भी अपराध से संबंधित हैं और जो वारंट मामले नहीं हैं। अतः सम्मन मामला ऐसा मामला है जो कि किसी अपराध से संबंधित है एवं वारंट मामला नहीं है। तो इस प्रकार 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय या केवल जुर्माने से दंडनीय या कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय अपराध जो हैं वो सम्मन मामले के अंतर्गत आते हैं। और वारंट मामले क्या है, तो वारंट मामले को 2X में बताया गया है, परिभाषित किया गया है। तो 2X के अनुसार वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो कि मृत्यु दंड आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध से संबंधित हैं। तो ऐसे मामले को वारंट मामला कहा जाता है। जो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि मृत्यु दंड हो आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है अथवा 2 वर्ष के अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों को वारंट मामले कहा जाता है। तो वारंट मामले में सम्मन मामले एवं सम्मन मामले में वारंट मामलों का जारी किया जाना। तो वारंट मामलों में कब सम्मन जारी किया सकता है और कब सम्मन मामलों में वारंट जारी किया सकता है, इसके संबंध में जो प्रावधान है, तो ये आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति के लिए सदैव वारंट को ही जारी किया जाए, उसे सम्मन भी भेजा जा सकता है। तो संहिता की धारा जो 204B है उसके अंतर्गत न्यायालय स्वयं के विवेक के आधार पर वारंट मामले में भी यानी वारंट केसेस में भी अभियुक्त के विरुद्ध सम्मन जारी कर सकता है। इसके संबंध में एक इम्पॉर्टेंट केसला है पूनम चंद्र जैन एवं अन्य बनाम फजरू 2005 सुप्रीम कोर्ट का केसला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सम्मन जारी करने के आदेश का मजिस्ट्रेट द्वारा पुनर्विलोकन या पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। संहिता की जो धारा 87 के अनुसार यदि न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा अथवा सम्मन की सम्यक प्रक्रिया की तामीली के बावजूद भी निश्चित समय पर गैर हाजिर रहता है या गैर हाजिरी का कोई भी कारण स्पष्ट नहीं बताता है, तो न्यायालय निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करते हुए गिरफ्तारी के लिए सम्मन मामले में वारंट मामले को जारी कर सकते हैं। लेकिन धारा 204 के अनुसार सिर्फ सम्मन मामलों में सम्मन को ही जारी किया जाएगा, ये भी स्पष्ट किया गया। तो सम्मन मामलों का वारंट मामलों में परिवर्तन कब होगा, तो संहिता की धारा 259 के अनुसार 259 के अकॉर्डिंग जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित सम्मन मामले कि विचारण के दौरान जो कि 6 महीने से अधिक के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए इस संहिता के द्वारा उपबंधित रीति से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकते हैं और ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकते हैं जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। तो अतः सम्मन मामले निम्न परिस्थितियों में वारंट मामलों में परिवर्तित हो सकते हैं। पहला है कि किसी अपराध से संबंधित सम्मन मामले का विचारण हो रहा हो, वे अपराध से संबंधित सम्मन मामले का विचारण हो रहा हो, वही अपराध हो, मजिस्ट्रेट न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामले की विचारण की प्रक्रिया के अनुसरण या अनुसार किया जाना उचित समझते हैं, तो जो है उन मामलों को सम्मन मामले को वारंट मामलों में परिवर्तित किया जा सकेगा। सम्मन मामले और वारंट मामलों में जो बेसिक डिफरेंस है उसको देख लेते हैं कि पहले प्रकृति संबंधी जो है सम्मन मामले जो है सामान्य प्रकृति के होते हैं, सिंपल सा डिफरेंस है, और जो वारंट मामले हैं वो गंभीर प्रकृति के होते हैं क्योंकि इसमें अधिक सजा का प्रावधान है। तो कारावास संबंधी जो है प्रावधान 2 वर्ष से अधिक के जो कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता है सम्मन मामलों में, 2 वर्ष तक ही दिया जा सकता है। वारंट मामलों में मृत्यु दंड आजीवन कारावास एवं 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होते हैं वो वारंट मामले कहलाते हैं। प्रक्रिया संबंधी उस सम्मन मामलों में अभियुक्त के विचारण में संचित प्रक्रिया को अपनाया जाता है परंतु वारंट मामलों में संचित प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है। आदेश संबंधी जो है सम्मन मामलों में अभियुक्त को या तो दोष मुक्त किया जा सकता है या तो दोष सिद्धि किया जा सकता है, परंतु वारंट मामलों में अभियुक्त को दोष मुक्त दोष सिद्धि के अलावा भी उन्मोचन का एक अन्य आदेश भी दिया जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस सम्मन मामले और वारंट मामलों में है। और चार्ज का जो विरचित किया जाना है, जैसे सम्मन मामलों में चार्ज का विरचन नहीं होता है परंतु वारंट मामलों में चार्ज का विरचन यानी कि फ्रेम ऑफ चार्जेस जो हैं वो होते हैं। वारंट मामलों में चार्ज फ्रेम किए जाते हैं परंतु सम्मन मामलों में चार्ज फ्रेम नहीं होते हैं क्योंकि ये कंपाउंडेबल होते हैं और जो
मामले का जिससे प्रारंभ किया होगा, तो समन मामले का प्रारंभ अभियुक्त के कथन से होता है। यदि अभियुक्त इनकार करता है तो अभियोजन का साक्ष्य लेना पड़ता है, परंतु अभियोजन के साक्ष्य से वारंट मामले हैं जो अभियोजन के साक्ष्य से ही प्रारंभ होते हैं और अभियुक्त का कथन जो है अभियोजन के कथन के पश्चात होता है। प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, तो समन मामलों में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रतिरक्षा करने का एक अवसर प्राप्त होता है, परंतु वारंट मामलों में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रति परीक्षा करने के दो अवसर प्राप्त होते हैं, पहला आरोप के पूर्व और दूसरा आरोप के पश्चात। दूसरों मामलों के जो परीक्षण हैं उसमें समन मामले में अभियुक्त का परीक्षण किसी भी मामले में भी हो सकता है जिसका परिवाद में उल्लेख नहीं है, लेकिन स्वीकृत तथ्यों से ये सिद्ध किए गए तथ्यों से स्थापित हो जाता है। परंतु वारंट मामलों में ऐसी स्थिति में एक अन्य चार्ज का अलग से फ्रेम किया जाता है। मामलों का पुनर्जीवन, तो संबंध मामले यदि एक बार समाप्त हो जाते हैं तो उनको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, परंतु वारंट मामले उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है यदि अभियुक्त को अनुमोचित कर दिया गया तब भी। परिवाद की वापसी के संबंध में जो प्रावधान है, संबंध मामले में परिवादी न्यायालय की अनुमति से परिवाद को वापस ले सकते हैं, परंतु वारंट मामलों में सामान्यतः परिवाद वापस नहीं लिया जा सकता है। केवल कुछ ऐसी जो परिस्थितियां हैं, विशेष परिस्थितियों में राज्य से संबंधित मामले जो कि विधि के परामर्शदाता के द्वारा ही वापस लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट जो है समनीय अपराध। तो यहाँ पे समन और समन में काफ़ी फर्क है, सा और बड़े सा में काफ़ी फर्क है यहाँ पे। तो समनीय मीन्स होता है यहाँ पर कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिनका यानी कि समझौता के द्वारा मामले को निपटाया जा सकता है, तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस कहलाते हैं। यद्यपि संहिता की धारा 2 में समनीय अपराध को भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संहिता की धारा 320 में एक सारणी दी गई है जिसके अंतर्गत कौन से अपराध समनीय हैं कौन से नहीं है उनके बारे में बताया गया है। तो जिन अपराधों का उल्लेख 320 की सारणी में किया गया है तो वो समन अभियोजन एवं अभियुक्त के बीच में समझौते के आधार पर हो सकते हैं। तो अपराधों के समन का अर्थ यह है कि पक्षकारों के मध्य किसी भी अपराध के मामले में समझौते किए जाने से है। समझौता करने पर संबंधित आपराधिक कार्रवाई समाप्त हो जाती है। समनीय अपराध सामान्य प्रकृति के होते हैं, तो अपराधों का जो समन है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला है कि बिना न्यायालय की अनुमति के धारा 320(1) में है, दूसरा है न्यायालय की अनुमति से धारा 320 सब क्लास 2 में है। तो वे अपराध जिनमें मुकदमों के दोनों पक्षकार समझौता करके मुकदमा वापस ले सकते हैं, तो बिना न्यायालय की अनुमति के भी ऐसा कर सकते हैं। 320(1) के अंतर्गत जो अपराध दिए गए हैं उनको, और न्यायालय की अनुमति से जो 320 सब क्लास 2 में दिए गए अपराध, तो ये अपराध जिनमें न्यायालय की अनुमति के बाद ही पक्षकार हैं आपस में समझौता करके न्यायालय से मुकदमा को वापस ले सकते हैं, और वापस लेने के लिए उनको प्रार्थना करनी होगी न्यायालय में। तो इसके संबंध में जो केस लाए के कंडास्वामी एवं अन्य बनाम KPMB पी चंद्रशेखरन 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस लाए, इस मामले में दोनों पक्षकारों के द्वारा शपथ पत्र पर अपराध के समन के लिए न्यायालय से आवेदन किया गया। दोनों पक्षकारों के द्वारा ये अंडरटेकिंग भी दी गई कि संबंध मामले में किसी भी प्रकार का वाद विवाद भविष्य में किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत देय रकम जो थी वो भी न्यायालय में पहले ही जमा कर दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपराध के समन की जो है अनुज्ञा प्रदान कर दी। असमनीय अपराध, अनकंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? तो असमनीय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पक्षकार समझौता नहीं कर सकते हैं, यानी कि समनीय अपराध में पक्षकार समझौता करके मामले को खत्म कर सकते हैं, परंतु असमनीय अपराधों में पक्षकार समझौता करके मामले को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं एवं अधिक सजा से दंडनीय भी होते हैं। तो ऐसे अपराध जो हैं वो समाज के विरुद्ध होते हैं या समाज के विरुद्ध किए गए होते हैं। तो ऐसे अपराधों में व्यथित जो व्यक्ति है यानी पीड़ित पक्षकार है अर्थात अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर भी न्यायालय को कार्रवाई समाप्त करने का अधिकार नहीं होता है। इसके संबंध में जो केस लाए डिम्पी गुजराल बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस लाए कि इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असमनीय मामले में राजीनामा पेश करने की भी अनुमति दी थी। तो जो ऐसे मामले जिनमें जिनका समन नहीं किया जा सकता है उसमें भी अनुमति दी थी। तो उसमें क्यों अनुमति दी थी, उसकी कुछ परिस्थितियाँ थीं जैसे अपराध जो था वो व्यक्तिगत पर्सनल नेचर का था, अपराध सामान्य था और अपराध जो है समाज के विरुद्ध नहीं था, पक्षकारों में समझौता हो गया था। तो ये जो अपराध पर्सनल ना होकर के अगर पब्लिक होता और अपराध सामान्य ना होकर के गंभीर होता, यदि अपराध के विरुद्ध समाज के विरुद्ध होता तो इन इस परिस्थितियों में मामला जो है वो असमनीय हो जाता। तो यहाँ पर समनीय इसलिए बना दिया गया क्योंकि जो परिस्थितियाँ थीं वो असमनीय की नहीं थी, तो इसलिए डिम्पी गुजराल बनाम यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के मामले में न्यायालय ने इसमें असमनीय मामले को मानते हुए भी राजीनामा पेश करने की अनुज्ञा दे दी थी।
तो समनीय एवं असमनीय अपराध में जो बेसिक डिफरेंस है उनको देख लेते हैं। तो प्रकृति संबंधी क्या है? तो समनीय अपराध सामान्य प्रकृति के होते हैं, असमनीय गंभीर प्रकृति के होते हैं। दंड के संबंध में समनीय अपराध हैं वो अपेक्षाकृत कम दंड से दंडनीय होते हैं, और असमनीय अपराध हैं वो अधिक दंड से दंडनीय होते हैं। संबंध या समझौता संबंधी जो समनीय अपराधों में पक्षकार जो हैं कुछ परिस्थितियों में तो स्वतः तथा कुछ परिस्थितियों में न्यायालय की अनुज्ञा से समझौता कर सकते हैं, परंतु असमनीय अपराधों में किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता है। अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के संबंध में देख लेते हैं कि संहिता की धारा 2H के अनुसार इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2H के अंतर्गत अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है या साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। अतः स्पष्ट है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सारी कार्यवाहियां आती हैं। तो जो धारा 2H के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई हो या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई हो जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत ऑथोराइज किया गया हो, जो साक्ष्य एकत्रित करने के प्रयोजन से की गई हो एवं जो संहिता के अधीन की गई हो। तो ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं 2H के, इसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन होता है। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण केस लॉ है SN रिस्वहू बनाम दिल्ली राज्य का मामला है, 1955 का है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के निम्नलिखित जो क्रम है उनको दर्शाया था। तो पहला था कि जहां अपराध घटित हुआ है वहां उस स्थान की तरफ जाना और अपराध से संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियों का निर्धारण करना और अभियुक्त की खोज करके उसको गिरफ्तार करना और साक्ष्य को एकत्रित करना और उसके बाद उसको जो निष्कर्ष है उसको निकालना। तो ये जो निर्देश हैं कुछ क्रम दर्शाए थे, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इससे संबंधित जो केस ला है जमुना चौधरी बनाम बिहार राज्य, 1974 का मामला है। इसमें न्यायालय ने यह कहा था कि अन्वेषण का जो प्रमुख उद्देश्य है, एम है, वो गहराई तक जाकर के सत्य का पता लगाना है। नेक्स्ट है जांच, इंक्वायरी क्या है? तो संहिता की धारा 2G जी जी फॉर जांच इंक्वायरी को दिया गया है, परिभाषित किया गया है। तो 2G के अनुसार जांच से विपरीत है और विचारणा से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा की जाए। अतः जांच के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक जांच आती है जो कि या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाए या फिर न्यायालय के द्वारा की जाए या संहिता के अधीन की गई हो, तो जो विचारण से भिन्न हो। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं धारा 2G के, मजिस्ट्रेट के द्वारा और न्यायालय के द्वारा, संहिता के अधीन और विचारण से भिन्न, तो वो जाँच कहलाएगी। इसके संबंध में जो केस ला है लक्ष्मी ब्राह्मण बनाम राज्य का मामला है, 1976। इस मामले में ये कहा गया है कि जांच के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां शामिल होती हैं जो मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई के दौरान की जाती हैं, और जांच का जो मुख्य उद्देश्य है वो तथ्य की सत्यता को निर्धारित करना होता है। विचारण ट्रायल, तो ट्रायल के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इस शब्द ट्रायल शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। विचारण एक जो है उसको न्यायिक प्रक्रिया माना गया है जिसमें किसी भी न्यायालय के द्वारा अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्त निश्चित किए जाने का जो है न्यायिक अधिकार न्यायालयों को है। तो अन्वेषण जांच एवं विचारण में जो बेसिक डिफरेंस है उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन जांच इंक्वायरी और ट्रायल विचारण, ये जो क्वेश्चन है इसकी परिभाषाएं और इसके बीच में अंतर, कभी कभी अन्वेषण और जांच के बीच अंतर, कभी जांच और विचारण के बीच में अंतर, कभी अन्वेषण और विचारण के बीच में अंतर, इस तरीके से घुमा घुमा करके कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सामान्यतः आसानी से सिंपल लैंग्वेज में अंतर को लिख लेना है। जिस किसी में भी अंतर पूछे जाएँ तो आप आसानी से अंतर को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर को हम लोग देख लेते हैं सिंपल भाषा में। तो पहला है कि अपराध की प्रकृति कैसी है। तो अन्वेषण जो है, अन्वेषण की जो प्रकृति होती है वो न्यायिक नहीं होती है, और जो जांच की है वो प्रकृति है वो न्यायिक होती है, और जो विचारण है वो भी न्यायिक प्रकृति का है। और उद्देश्य जो है, अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? साक्ष्यों को एकत्रित करना, पुलिस के द्वारा साक्ष्य को एकत्रित करना है। और जांच का जो उद्देश्य है, अभियुक्त को दोष मुक्त करना अथवा सेशन न्यायालय के समक्ष उसको सपूत करना, भेजना। और विचारण का जो उद्देश्य है, अभियुक्त को दोषयुक्त या दोषमुक्त करना। प्राधिकारी कौन कौन होंगे? तो अन्वेषण के अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकार ऑथोराइज किया गया व्यक्ति, किंतु मजिस्ट्रेट स्वयं नहीं इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो व्यक्ति होंगे। और जांच जो है वो मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय के द्वारा की जा सकेगी,
विचारण भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय में ही किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा न्यायालय में किया जाता है ट्रायल। और जो शपथ के संबंध में प्रावधान है, तो अन्वेषण में उन व्यक्तियों को शपथ नहीं दिलाई जा सकती है जिनका परीक्षण किया जा रहा है या जिनसे की प्रश्न पूछा जा रहा है, परंतु जांच में शपथ दिलाई जा सकती है और विचारण में भी शपथ दिलाई जाती है। कारण क्या होना चाहिए? अन्वेषण जो है साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, परंतु जाँच इसलिए की जाती है कि प्रथम दृष्टया प्रामा फेसाई कोई भी मामला एक्यूज्ड पर बनता है कि नहीं बनता है, इसलिए जांच करना जरूरी है। और विचारण केवल अपराध पर विचार करने के लिए होता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस थे अन्वेषण में, जांच में, विचारण में, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, ये जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और जो लोग बिहार APO मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक विशेष सूचना है कि वो लोग यूट्यूब चैनल शिव स्टडी आपला को विजिट करें और चैनल पर जाकर के रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। और उसके बाद जो लोग बिहार APO मेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो पेपर नंबर 7 है मान्य रेट का, उसमें 6-1 से प्रश्नों को पूछा जाएगा जिसमें काफ़ी लोगों को तैयार करने में दिक्कत होती है, तो उसके अंतर्गत कंप्लीट नोट्स, माइनर एक्ट के कंप्लीट नोट्स 6-1 जो हैं उनके सभी स्पेशल वीडियोज के साथ में और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स जिनको परीक्षाओं में पूछा जाता है और जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है, तो ऐसे नोट्स तैयार किए गए हैं, जितने आप पढ़ लेंगे तो उन्हीं से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर जाना है और सिल्वर S प्लान 159 के प्लान को ज्वाइन करना है, जहां पर आपको माइनर एक्ट के सभी इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स में विद PDF के और IDO में वीडियो और प्लस बियर एक्ट, जो भी 6 बियर एक्ट हैं उनकी PDF आपको मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर के पेपर्स की भी PDF मिल जाएगी। और जो लोग कंप्लीट सिलेबस बिहार APO मेंस का चाहते हैं, तो वो लोग गोल्डन स्टैंडर्ड प्लान 799 को ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।